आरएएस मेंस की स्ट्रेटेजी के साथ साथ मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। 200-200 मार्क्स के चार पेपर होते हैं जिनमें मिक्स क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग विषय के, वो मैं आपको अलग से स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन पेपर बना के बता दूंगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। यदि आपको शॉर्ट में क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं अपने ज्ञान के अनुसार। तो शुरू करते हैं हम आरएएस का अपना ये चैप्टर। इसमें हम बात करेंगे आज कड़ाना। कड़ाना क्या है? राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में लोहारिया गांव के समीप कड़ाना नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही परियोजना राजस्थान व गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। जनता वन योजना पर्यावरण सुधार की दृष्टि से राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण अनुभवी गैर सरकारी संस्थाओं तथा निजी व्यक्तियों के सहयोग से किया जा रहा है। योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण। इसमें लोगों का सहयोग सुनिश्चित करना और वानिकी कार्यों की सफल क्रियान्विति हेतु ठोस आधार तैयार करना जनता वन योजना का पूरा उद्देश्य ये है। उसके बाद देखिए योजनाओं के प्रश्न जो हैं आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। मुख्य योजनाएं जो हैं बिल्कुल रट लीजिए आप। तो दत्तक जानकी योजना, योजना याद करने की मेरे ख्याल से कोई ट्रिक नहीं हो सकती है, फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं ट्रिक से यूज़, अपनी खुद की भी आप ट्रिक बना सकते हैं। तो बात करते हैं दत्तक जानकी योजना की। राजस्थान में बालिकाओं की शिक्षा के लिए यह योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा राज्य के 15 ऐसे ज़िलों में शुरू की गई है जहाँ महिला साक्षरता 10% से भी कम है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक कारणों से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से व्यक्ति परिवार व संस्थाओं द्वारा गोद लिया जाता है। दत्तक माने गोद लेना। जानकी योजना महिलाओं से रिलेटेड है, ध्यान कर लीजिएगा। आप शब्दों का ध्यान कर लेंगे तो आपको बिल्कुल योजना का पूरा ध्यान में आ जाएगा। उसके बाद है दूरगामी परीक्षण योजना। यह योजना राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा 6 खेल एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कुश्ती, तीरंदाजी के योजनाबद्ध विकास के लिए बनाई गई है। योजना का प्रमुख उद्देश्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करवाना है। अगर आप, मैं जो आपको ये क्वेश्चंस बता रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं के बल पे कई लोगों का आरएएस में सिलेक्शन हुआ है। अगर आप मेरे ये वाले सारे वीडियो देख लेंगे जो भी मैं लगातार आपको दे रही हूँ, मैंने पहले 5-6 वीडियोस पहले भी इसके दिए हैं, आप सीरियसली इस पर ध्यान कर लेंगे तो आपको आरएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि आप इस पे ध्यान नहीं देंगे इन क्वेश्चंस पे तो निश्चित रूप से आप ये प्रश्न सुन लीजिए, अगर आपको ये सब प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपको इन प्रश्नों में कोई डाउट है या आपको ये प्रश्न करने नहीं आ रहे हैं तो आपको आरएएस बनने में बाधा आ सकती है। तो मेरा आपको यही कहना है, एक टिप में ये मेरी टिप है कि आप इन प्रश्नों को बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए, कह लीजिए कि इनकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो। उसके बाद क्वेश्चन आता है नाचना। नाचना जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा के सहारे पर स्थित एक कस्बा है। यह राज्य में यह जो है ये ऊंट के लिए प्रसिद्ध है और इसमें सर्वश्रेष्ठ किस्म हमारे यहाँ राजस्थान की ऊँट की पाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नाचना। क्वेश्चन है तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी एक लोक नृत्य की विधा है, यानी ख्याल का एक प्रकार है, गायन में होता ख्याल। राज्य में चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा इसके मुख्य केंद्र हैं। आप निम्बाहेड़ा को राजस्थान के ज़िले में नोट कर लीजिए। निम्बाहेड़ा बहुत ही प्रमुख स्थान है, इसके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस ख्याल का निर्माण शाह अली और तुकनगीर नामक व्यक्तियों द्वारा किया गया था। राजस्थान के ख्याल के और संगीत के और चित्र शैली के बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए,
जाते हैं। आपको मैं एक अलग से चैप्टर पढ़ा दूंगी चित्र शैली का, उसमें कुछ ट्रिक्स काम करेंगी वो मैं आपको बताऊंगी। अभी बात करते हैं गुनीजन खाना क्या है। गुनीजन खाना ये जयपुर में स्थित है। वर्तमान में यह राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी स्थापना महाराणा प्रताप सिंह के समय हुई थी। प्रश्न है नृत्य गणेश और खड़े गणेश। नृत्य गणेश नृत्यरत गणेश की प्रतिमा है जो नीलकंठ मंदिर अलवर में स्थित है, जबकि खड़े गणेश की प्रतिमा कोटा में स्थित है। प्रश्न है चोकला यह भेड़ की प्रमुख नस्ल है। इस किस्म की भेड़ प्रतिवर्ष औसतन 1 से 2 किलोग्राम तक ऊन दे देती है। यह नस्ल अधिकांशतः चूरू झुंझुनू और सीकर जिलों में पाई जाती है। वनस्थली विद्यापीठ जयपुर से 45 किलोमीटर दूर मालपुरा के समीप स्थित वनस्थली विद्यापीठ लड़कियों की शिक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छी संस्थान है और इसकी स्थापना राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के द्वारा हुई थी। प्रथम मुख्यमंत्री कौन था राजस्थान का? ध्यान कीजिए, श्री हीरा लाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। ये भी ध्यान कर लीजिएगा, कई बार सामान्य प्रश्न भी दे देते हैं, जरूरी नहीं है कि टिपिकल क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाएं। प्रश्न आता है छापी सिंचाई परियोजना। छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में अकलेरा पंचायत समिति मुख्यालय के निकट है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर वर्ष भर में 13,300 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई संभव हो सकेगी। प्रश्न है काजरी CAZRI गांव, काजरी गांव यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान में 5 मरुस्थली जिले जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर और नागौर के 10 आदर्श गांवों में शुरू की गई है। इसके अंतर्गत काजरी द्वारा विकसित विविध तकनीक जो हैं, जिसमें कृषि सुधार जल प्रबंध पशु नस्ल सुधार भू संरक्षण और टीला स्थिरीकरण। टीला स्थिरीकरण क्या है यहाँ पे आप ये देख लो, टीला स्थिरीकरण है मिट्टी का जो बढ़ाव होता है, टीले बढ़ते जा रहे हैं उनको रोकने का कार्यक्रम जो है ये इस प्रोग्राम के तहत चलता है। काजरी ये मैंने आपको बताया कहाँ कौन कौन से 5 जिलों में है, वहाँ पर ये कृषकों और पशुपालकों को इससे लाभ दिया जाता है। प्रश्न है बाणगंगा यह नदी जयपुर जिले में विराटनगर की पहाड़ियों से निकलती है, तत्पश्चात दौसा और भरतपुर जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद नामक स्थान से निकल के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? यमुना नदी में। बाणगंगा को आप याद कर लीजिएगा, बाणगंगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की नदियों के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आता है बेड़च। बेड़च नदी उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदय सागर झील तक इसे आयड़ नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयड़ नदी। यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम पर बनास में मिल जाती है। प्रश्न है सहभागी नगर विकास योजना। जन सहभागिता से नगरों को आवश्यक जनउपयोगी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से यह योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक सुविधाओं के लिए 50% राशि राज्य सरकार द्वारा और शेष राशि नगर पालिका व स्थानीय नागरिकों के सहयोग से उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्न है जमुनापुरी। जमुनापुरी क्या है? यह है राजस्थान में पाई जाने वाली बकरी की प्रमुख नस्ल है। इस नस्ल की बकरियाँ काफ़ी दूध देती हैं तथा मांस की प्राप्ति की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। प्रश्न है तिजारा। यह अलवर में स्थित है। यहाँ पर सिलिकॉन उत्पादनों की विस्तृत श्रृंखला के निर्माण के लिए सिलिकॉन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने अपना प्लांट स्थापित किया है। भारत में इस तरह का यह पहला प्लांट है। प्रश्न है सतत शिक्षा परियोजना।
राजस्थान में संपूर्ण साक्षरता अभियान के तहत नव साक्षर हुए लोगों को उक्त परियोजना में पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्न है कसनाऊ। कसनाऊ राजस्थान में नागौर जिले में स्थित है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में लिग्नाइट के भंडार पाए जाने पर यह स्थान काफ़ी चर्चित रहा। प्रश्न है आबू। यह सिरोही जिले में है। इसे राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। यहाँ पर नक्की झील है तथा बीमा शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ और नेमिनाथ जिन्हें देलवाड़ा जैन मंदिर भी कहते हैं, दोनों मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। बहुत ही बारीक कारीगरी इनके अंदर की गई है, ऑर्नामेंटल कारीगरी इन मंदिरों में की गई है। बाद में क्वेश्चन आता है भिनमाल। भिनमाल कस्बा जालौर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में भिनमाल सभ्यता और संस्कृति का मुख्य स्थान था। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हिन सॉन्ग भिनमाल आया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है फ्रेंड्स। खारी बांध की बात करते हैं। इस बांध का निर्माण 1957 में भीड़वाला जिले की आसिंद तहसील से 8 किलोमीटर दूर खारी नदी पर किया गया है। इस बांध से आसिंद तहसील के 74 गाँव की लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई संभव हो सकेगी। कमली ताल स्थान जैसलमेर के समीप उत्तर पश्चिम में मनिहारी टीबा के समीप स्थित है। आयल इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान यहाँ से भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। प्रश्न है भीकमपुरा। भीकमपुरा गांव बीकानेर जिले में स्थित है। इस स्थान पर ऑयल इंडिया द्वारा की गई खुदाई से बड़ी मात्रा में तेल के भंडारों का पता चला है। जैन वर्धमान विद्यालय। प्रश्न है जैन वर्धमान विद्यालय। अजमेर के अर्जुन लाल सेठी ने सन 1907 में जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय स्थापित किया। इस संस्था के छात्रों में देशभक्ति एवं बलिदान की भावना जागृत की जाती थी। प्रश्न है बांगड़ सेवा मंदिर। बांगड़ सेवा मंदिर क्या है? की स्थापना शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी भोगी लाल पांड्या ने डूंगरपुर में की थी। संस्थान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा विरोधी राजतंत्र के क्रियाकलापों का विरोध करते हुए आदिवासी क्षेत्र के बच्चों और प्रौढ़ों में शैक्षणिक एवं राजनैतिक चेतना जागृत करता था ये बांगड़ सेवा मंदिर। कहाँ पर था? डूंगरपुर में। किसने शुरू किया था? भोगीलाल पांड्या ने। तो शॉर्ट नोट्स भी आप बना लीजिए जिससे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। अब जैसे आप लिखिए बांगड़ सेवा मंदिर किसने बनाया था? भोगीलाल पांड्या ने। स्थापना कहाँ हुई थी? डूंगरपुर में। और उससे रिलेटेड आप बात याद कर लीजिए कि किसके लिए था? आदिवासी बच्चों में शैक्षणिक चेतना के लिए था। चार मुख्य बिंदु हो गए इसके कीवर्ड्स। कोई भी आप डिटेल में क्वेश्चन याद करें उसके कीवर्ड्स को आप ध्यान रख लें या उन्हें क्रम में सेट कर लें तो ये आपके लिए ट्रिक का काम करेगा। ट्रिक में होता क्या है आप ध्यान लगाइए। ट्रिक में होता क्या है? ट्रिक में ये होता है कि हम किसी भी शब्द को अपने हिसाब से व्यवस्थित क्रम में जचा करके उसके पहले पहले वर्ड्स याद कर लेते हैं तो वो हमारी ट्रिक हो जाती है। अभी मेरे पास आपको प्रॉपर से बताने के लिए है नहीं कैमरा इस हिसाब से कि नहीं, तो मैं आपको फिर करके बताती कि ट्रिक हम कैसे बनाते हैं। किसी भी प्रश्न की आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी। अभी हम बात कर रहे हैं पूर्व राजस्थान की। पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़, बिल्कुल ध्यान कर लीजिए कुशलगढ़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सबको मिला करके पूर्व राजस्थान बनाया गया। वरिष्ठता और क्षेत्रफल के आधार पर कोटा नरेश भीम सिंह को राज प्रमुख और कोटा राजधानी बनाई गई थी। प्रश्न आ जाता है कि पूर्व राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था या इसकी डिटेल्स बताइए, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसी में से हम प्री के लिए भी तैयारी कर सकते हैं अगर किसी को करनी है तो, ये क्वेश्चन वहाँ पे भी बहुत काम आते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं चंबल लिफ्ट योजना। ये क्वेश्चन है चंबल लिफ्ट योजना 500 करोड़ रुपए की लागत वाली चंबल लिफ्ट परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास दिसंबर 1999 को भरतपुर में किया गया था।
इस योजना के अंतर्गत धौलपुर और भरतपुर जिलों के बृहत पेयजल योजना का जो था लक्ष्य 2004-05 में पूरा करने का रखा गया था। प्रश्न है, बूम क्या है? BOOM बूम। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की नीति, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड मेंटेन। BOOM की नीति के तहत राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित सीज SEZ क्षेत्र में जैसलमेर के पास सोलर चिमनी पर आधारित 200 मेगावाट क्षमता के एक विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए एनर्जन इंटरनेशनल कंपनी को बूम के आधार पर आशय पत्र जारी किया गया था, यानी कि इसे स्थापित करने का आशय पत्र जारी किया गया था। सीज क्या है? अभी इसी प्रश्न में से दूसरा प्रश्न निकल के आ रहा है, सीज क्या है? SEZ राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या होती है? सूर्य ऊर्जा के विकास की विपुल संभावनाएं हैं, आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत तेज होती है राजस्थान में। इस क्षेत्र को सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेस SEZ जोन कहा जाता है। सीज क्षेत्र में सरकार द्वारा 3 परियोजनाओं को चुना गया है जिनकी कुल क्षमता 300 मेगावाट है। RAPP राजस्थान ऑटोमिक पावर प्लांट कनाडा के सहयोग से रावत भाटा में 1973 में स्थापित किया गया था। 235x2 मेगावाट की 2 इकाइयां 100% राजस्थान के लिए हैं। परमाणु शक्ति निगम से समझौते के अनुसार राजस्थान इस इकलौते परमाणु बिजली घर की तृतीय और चतुर्थ इकाई से भी 100% बिजली राजस्थान को दी जाएगी, ये कहा गया था। वर्तमान में डिकमिशनिंग की समस्या का निराकरण कर इसकी उम्र 10 से 20 वर्ष और बढ़ा दी गई। इसके बाद प्रश्न आता है, प्रश्न है मथानिया, यह राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित मथानिया नामक स्थान पर भारत का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन केंद्र। विश्व बैंक